गेट बंद करो बेटा जो गेट बंद करते हैं भाई देखो तो सरपंच क्या कर सके कॉल कैसे लगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गाना सही में बहुत धमाकेदार था. मैंने सुन के ही हाँ की थी गाना करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आया. पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी राज सर का और अमित सर का. नहीं नहीं, वो तो लोगों की सोच है, वो तो एक टैगलाइन है, एक चीज है. जैसे हम कान को आंख और आंख को कान कभी नहीं बोल सकते, तो ये तो खाली शब्द है. आप खुद में क्या हो वो बहुत मायने रखता है. मैं खुद क्या हूँ, अंदर से क्या हूँ, तो मैं सपना चौधरी हूँ, मैं आइटम गर्ल नहीं. असुरक्षा का माहौल देखिए पहले भी था, आज भी है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. मुझे लगता है वो तो कानून का काम है. कानून अपने हाथ से ही, अपने तरीके से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है. और बिल्कुल इसकी मैं निंदा करूँगी कि सिद्धू के साथ जो भी हुआ वो गलत है, और इसकी अच्छे से तफ्तीश चल भी रही है. काफ़ी इनकाउंटर में भी पीछे दो लोगों को मारा गया है, मुझे पता है. तो बिल्कुल बखूबी जो उनके मर्डरर है उनको सज़ा मिलनी चाहिए. सिर्फ डांसर नहीं, अभिनय में भी आपने हाथ लगाया, बिग बॉस में भी आपने पार्टिसिपेट करता है. बिग बॉस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सलमान भाई के साथ आगे क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा अच्छी बात है. बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और सबका अपना अपना लक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, मैंने जितने गाने किए लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ लवली एक्सीडेंट, जो आप लोगों ने देखा है. तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ. हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ, तो आई थिंक हाँ बिल्कुल हमेशा डांस करता रहता हूँ. आई लव डांसिंग, डांस मेरा पैशन है. तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया उसने गाया, दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था. गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा. बाकी फिल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने स्टोरी सुनी थी लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी. तो अच्छा अब काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है. मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आप सबको अच्छा लगा ही होगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जंप वगैरह सब करके. आई लव दिस सॉन्ग. हुक स्टेप तो होना चाहिए. अरे बाप, हुक स्टेप कैमरे के लिए. हुक स्टेप वो वाला था ना, मैंने बोला नाचना ये उधर मुझे कहीं याद है. बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है. एक स्टाइल जो था ये मतलब अलग था, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टाइल था, और डांस के तो हम सभी फैन हैं इनके. एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे, प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा हूँ, नहीं सबसे अच्छा गाना ही लगा. नहीं नहीं, अभी आज का दिन इनका है, तो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा वाला मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आज एक फिल्म आ रही है जो जैसे मरने भी दे आई थी, कश्मीरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की है बहुत जल्दी,
उसकी भी प्रोमो लॉन्च हम करेंगे और धमाके के साथ और एक्साइटमेंट, वो भी अलग टाइप अलग कॉमेडी फिल्म है, उसमें श्रेया से तालपड़े हैं, मैं हूँ और कीकू है, कीकू शारदा जो हमारे शो पे आपको नजर आते हैं, हम तीनों हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। कश्मीरा ने बहुत कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ आध बार न्यूज़ में आया था लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं उसके लिए एक्साइटेड, बस एक दो महीने में मिलेंगे जल्दी। तो टाइटल बता रहा, आपसे एक सवाल है, अभी आपने आपका गाना देखा, बहुत एंजॉय किया, आपके डांस देखे बहुत एंजॉय किया, कॉमेडी देखते हैं हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लुक्स देखते हैं बहुत एंजॉय करते हैं, कोई सीरियस सवाल नहीं, बहुत अच्छे कैरेक्टर लीड रोल नहीं मिल पाता आपको? देखो मैंने बोला सीरियस कुछ सवाल आएगा, अरे बाबा नहीं, मैं देखो हर आदमी की एक दौड़ होती है हमारी लाइन में, और मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ, मैं उस मुझे उसकी ज़्यादा खुशी है, करते 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 कॉमेडी भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो हर आदमी का एक मोटिव यही होता है कि वो एक बड़ी फिल्म में एक लीड रोल करे, करेक्ट, मेरा भी वो क्या बोलते हैं ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए मैं 4 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, तो अच्छा है कि और 4 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाऊंगा अगर आप लोगों का ऐसी गुडविल गुड लक रहा तो। कॉमेडी करते ऐसा नहीं लग रहा है लोग आपको कॉमेडी समझने लग गए हैं, एंड देन एक्टर सीरियस नहीं ले पा रहे, कॉमेडी आपकी इतनी ज्यादा है, तो आप प्रोड्यूस करो कुछ फिर नहीं, लेकिन हम कॉमेडी करके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो पता है कि डेफिनेटली कॉमेडी की छाप पड़ती है, और इससे अच्छी छाप कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ जॉनर है, किसी को आसान है सबसे, और हमें हम जो कॉमेडी करते हैं उसकी हम हमें छाप की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत पैसे मिलते हैं। म्यूजिक इस प्रकार का लॉन्च होना बहुत कम दिखा है इन दिनों, पहले बहुत होता था जब संजय जी और मैंने बहुत काम किए साथ में, तो पहले बहुत होता था म्यूजिक लॉन्च, बड़ा पार्टी होती थी, और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा लॉन्च म्यूजिक का और उसके ट्रेलर का हम देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में, और म्यूजिक का भी बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पिक्चर में म्यूजिक देखेंगे। और हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाया जब दुनिया पूरी शांत थी, जब शांति होती है तब संगीत निकलता है, तब हमने अच्छी ट्यून बनाई, ललित साहब ने और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक, हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज करते गए, और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूजिक बनाया है, तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं, ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा हुआ गाना नहीं है, ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, सिचुएशन के लिए बनाए, और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूजिक वाइज में। इनफैक्ट हम इस गानों के लिए साथ में बैठते थे, साथ में खाते पीते थे और सोचते थे इसका कैसे करें। माधवी, पहले आप मेरा नाम जान लें, माधवी लावरे, और ये काफ़ी कॉमेडी मूवी लगी मुझे, इसलिए मैंने इसके लिए हाँ किया, और इसमें मेरे अली असगर सर, ईशा पटेल के साथ काफ़ी अच्छे सीन है। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, आप बोल सकते हैं जो भी। अच्छा, इसके बाद मेरी एक और मूवी आने वाली है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नवाज सर के साथ है वो, टीकू बेड शेर, MLA, यंग MLA, नो मतलब ईशा मैम के साथ हूँ, और उनका भांडा लास्ट में मैं ही, मतलब लाइक अली असगर सर के साथ जो मैं बताने वाली हूँ, तो वो बहुत ही सस्पेंस वाली चीज़ें, वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। या एडवोकेट से एक्टर हो गया और आपका लोगों को बहुत पसंद किया, तो क्या कैसा लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये, एक रियल लाइफ लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर, एक तो एक्ट करना है, वकीलों तो थोड़े बहुत तो एक्ट करते ही है इन द यू कैन से कोर्ट रूम, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था, एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू, दिस क्रू हैज बीन रियली डूइंग अमेजिंग। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से एक प्लानिंग की हुई थी अबाउट अ फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी, फिर संजय छेल ने हमको बताया कि आई कैन गिव वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर, और
आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशंस हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने एक साल पहले लिखी हुई थी एंड टुडे इट टर्न इनटू रियलिटी जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है. बट दिस वॉज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने 1.5 साल पहले लिखी हुई थी और आज वो रिलीज हो रही है और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन लाइफ सिचुएशन हो रही है. Really had a very fantastic co-stars because सभी co-stars मेरे reference वाले थे. ईशा गोपीकर जी, मनोज जोशी जी, स्नेहा उल्लाल जी, रवि किशन जी being a member of parliament उन्होंने काफ़ी वक्त निकाला इसके लिए. स्नेहा उल्लाल in spite of उनके health issues रह के भी वो अक्सर sets पे time पे आती थी और अपना shoot ख़त्म करके चली जाती थी. राजप्रेमी जो को प्रोड्यूसर क्रिएटिव प्रोड्यूसर है यार संजय छेल, अभय निहालानी, प्रदीप भट्ट, ये सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया. और सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई एक्टिंग लगे तो अली असगर की. ही इज रियली प्लेड अ फैंटेस्टिक रोल ऑफ अ स्टिंग ऑपरेटर जर्नलिस्ट और अली ने बहुत अच्छा एक अपना एक योगदान दिया ये पिक्चर में. जब हम गाना शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे कुछ एमएलए लोग को रिसोर्ट में बंद किया गया है तो उनको एंटरटेन करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए. तो हमको बहुत सारे स्टोरीज दिमाग में आ रहे थे. जैसे आपने देखा रहेगा अली बाबा 40 में खतुबा सॉन्ग था तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज चल रही थी कि उस तरह का कुछ अपना सॉन्ग होना चाहिए. तब हमको ध्यान में आया कि सपना चौधरी जो नॉर्थ इंडिया में शी हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक अपना सिचुएशन है और अपने सॉन्ग रहने वाला है. तो उन्होंने बोला इमीडिएट उन्होंने यस कह दिया एंड शी टोल्ड आई विल साइन फॉर दिस. उनको हमने लिरिक्स सुनाया एंड शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट द लिरिक्स एंड आई विल कम फॉर दिस सॉन्ग एंड गेट इट डन. तो कोविड टाइम में भी वो आके एक सॉन्ग करके चली गई. इट्स अ पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी यानी ऐसे बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है. इट्स अ कॉमेडी मूवी लेकिन विद अ रियल लाइफ उसके अंदर कुछ मैसेज है और मैसेज बहुत क्लियर है एट द एंड ऑफ द मूवी.